भगवान राम के दर्शन करके पूरा देश खुशी से झूम रहा है, लेकिन काले पत्थर से ही भगवान राम की मूर्ति क्यों बनाई गई है जानते हैं आप? अब इस तस्वीर को देखिए जिसमें प्रभु श्री राम मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं। पैर से लेकर चेहरे तक पूरी मूर्ति काले रंग की है। ऐसे में आपके मन में भी सवाल जरूर आया होगा कि आखिर मूर्ति बनाने वाले अरुण योगीराज ने इसे काले रंग के पत्थर से ही क्यों बनाया है और इसके पीछे का रहस्य क्या है। बात सिर्फ काले रंग की ही नहीं है बल्कि 51 इंच की बनी मूर्ति की भी है, जिसके बारे में 99% लोगों को नहीं पता कि आखिर इसे 51 इंच की ही क्यों बनाया गया है। रामलला की ये मूर्ति कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाई है। इसकी खास बात ये है कि इसे एक ही पत्थर से बनाया गया है, यानी पत्थर में कोई भी दूसरा पत्थर नहीं जोड़ा गया है। इस मूर्ति का वजन करीब 200 किलोग्राम है। इस मूर्ति में भगवान श्री राम के 5 साल के बाल रूप को दर्शाया गया है। रामलला की सुंदर मूर्ति में भगवान विष्णु के 10 अवतार आपको देखने को मिलेंगे। ये 10 अवतार हैं मत्स्य, कूर्म, वारह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि हैं। मूर्ति को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें भगवान विष्णु के सभी अवतार आपको नजर आएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान राम भी विष्णु के अवतार हैं। रामलला की इस मूर्ति में एक तरफ हनुमान और दूसरी तरफ गरुड़ नजर आ रहे हैं। ये मूर्ति की भव्यता में 4 चांद लगा रहे हैं। रामलला की इस मूर्ति में मुकुट के साइड पर सूर्य भगवान, शंख, स्वास्तिक चक्र। अगर राम मंदिर में चंदन रोली लगाई जाएगी तो इसमें रामलला की मूर्ति की चमक पर कोई असर नहीं होगा। रामलला की 51 इंच लंबी मूर्ति दक्षिण भारतीय शैली को दर्शाती है। मूर्ति की लंबाई 51 इंच इस बात को ध्यान में रखते हुए की गई है ताकि रामलला के 5 साल बालक के स्वरूप के दूर से आसानी से दर्शन मिल सके। राम मंदिर के गर्भगृह में जब रामलला की मूर्ति लाई गई, उस दौरान उनकी आंखों में पट्टी बंधी हुई थी। ये पट्टी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद खोली जाएगी, लेकिन अचानक से सोशल मीडिया पर रामलला की मूर्ति प्रकट हो गई। मतलब प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही रामलला ने अपने दर्शन दे दिए हैं। लेकिन ऐसे हुआ कैसे, इसके बारे में भी चलिए आपको बताते हैं। इस तस्वीर को देखिए जो इस वक्त राम मंदिर के गर्भगृह में रखी हुई है। इस मूर्ति में रामलला की आंखों में पट्टी बंधी हुई है। ऐसा इसलिए किया गया है कि 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा होगी उसके बाद ही आंखों की पट्टी हटाई जाएगी। लेकिन जिस वर्कशॉप में रामलला की मूर्ति बनाई जा रही थी वहीं से ये तस्वीर वायरल हुई, जिसकी वजह से 22 जनवरी से पहले ही पूरे देश और दुनिया ने रामलला के दर्शन कर लिए। हालांकि इस पर अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है। विरोधी दलों का कहना है कि जो मूर्ति रामलला की प्रकट हुई थी उसे क्यों नहीं रखा जा रहा है, नई मूर्ति बनाने की क्या जरूरत थी। इसके जवाब में राम मंदिर ट्रस्ट का कहना है कि रामलला की इस बड़ी मूर्ति के साथ छोटी मूर्ति वहीं पर मौजूद रहेगी, लेकिन बड़ी मूर्ति इसलिए होगी ताकि आसानी से भगवान श्री राम का हर कोई दर्शन कर सके। भगवान राम की इस मुस्कुराती हुई तस्वीर को देखकर पूरा देश खुशी में डूबा हुआ है और हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम है, वो है जय श्री राम।